देखो इसके अंदर फॉर्मूला यूज्ड में क्या फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2mk, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ आज हमने की एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 12.23 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो। What is de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of 100 volt? तो इलेक्ट्रॉन का v पता है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1.22 या 1.23 upon under root of 100 nanometer answer। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो de Broglie का रिजल्ट सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दिया। नेक्स्ट है मोमेंटम निकालो फोटोन का एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लैमडा, लैमडा क्या होता है, सी बाई न्यू, सी पता है, न्यू पता है और एच पता है आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन, काइनेटिक एनर्जी दे दी उसने, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ओके वो कैसे, मैंने कहा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में कन्वर्ट कर लिया, और लैम्डा का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है एनर्जी की फॉर्म में, तो आप यूज कर लें एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, k को पुट कर लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आंसर। प्रॉब्लम क्या है, खतरनाक कैसे हो सकता है ये, कैसे ना कैलकुलेशन में कर लिया। चलो प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन की कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ का शॉर्टकट ये फॉर्मूला है, पर मैंने इसमें यह फॉर्मूला लगाया नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें भी, और शॉर्टकट डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका फॉर्मूला सीधा लगाओ ना 1.227 बाय रूट ऑफ वी, तो वहां से वी निकाल लो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आपको वी कैसे पता लगे, हाँ वी पता लग सकता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.4 वोल्ट है, 3.4 वोल्ट है ठीक। एक काम करो, कॉपी लो, इसको ना फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कब ये फॉर्मूला लगाना है और कब वो फॉर्मूला लगाना है। चेक करो एक बार, अब फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, वी को पुट करना 3.4 का अंडर रूट, जरा कैलकुलेटर से चेक करो लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है, क्या मैच कर रहा है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर सोचना पड़ेगा, चेक करना कितना लैम्डा आ रहा है, कर लो चेक कर लो, ऑनलाइन वाले भी करें प्लीज, आ रहा है। तो यानी कि डी ब्रॉगली ठीक कह रहा था कि आप इसमें वी के हेल्प से लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे वो फॉर्मूला लगाएं, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें बस ये कन्वीनियंस है कि आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है, एनर्जी गिवन है, आपने सीधी एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैं बताता हूँ। अब स्टूडेंट को आदत पड़ जाती है कि वो शॉर्टकट लगाएगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या करेगा, क्वेश्चन में डाल देगा प्रोटोन। अब स्टूडेंट ने याद कर रखा है शॉर्टकट और वो सोचता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटोन का चार्ज तो सेम ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, आदत पड़ जाती है ना शॉर्टकट लगाने की। प्रोटॉन के लिए नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन के लिए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लगा। आप कोई फॉर्मूला लगा लें, चाहे ये लगाएं चाहे शॉर्टकट लगाएं, लेकिन प्रोटॉन के लिए कभी ना लगाएं, आदत पड़ जाती है लगाने की फिर दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो आपके सीबीएसई वालों ने ना न्यूमेरिकली नहीं दिया, सीबीएसई वालों ने ये प्रूव करने को दिया, पुराने पेपर चेक कर लेना, प्रूव दैट दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी, तो कितनी एनर्जी दी हमने, ई इंटू वी, इज इक्वल टू फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5460 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है
वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? देखो मुझे तो एक चीज पता है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है बस, ठीक है, जिसके अंदर के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। पर वो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की एनर्जी बराबर है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर के और एच सी बाय लैम्डा, वेयर के इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस इज एनर्जी ऑफ, ये बराबर है। तो इसने भी के की जगह क्या पुट कर लिया? फोटोन की एनर्जी। हर क्वेश्चन में पुट नहीं करना, इसमें गिवन है इसलिए पुट करना है। तो एच सी बाय लैम्डा आंसर। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, यार पूछ तो वेवलेंथ रहा है और आंसर भी वेवलेंथ में आ रहा है। अब ध्यान से, ये वेवलेंथ किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, और ये किसकी है? फोटोन की। यहां कंफ्यूजन हो जाती है जो ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि वो यहां सिर्फ वेवलेंथ लिख के देगा, प्रूव करो वेवलेंथ इसके इक्वल है। तो लोग पूछ रहे हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ तो गिवन ही अंदर, तो ये समझ में आ रहा है दो दो वेवलेंथ है। यहां पर डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल ली थी और यहां पर लैम्डा किसका यूज हो रहा है? फोटोन का, और एनर्जी सेम होने की वजह से एनर्जी की रिप्लेसमेंट ये हो रही है। तो इस क्वेश्चन ने क्या किया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। एच पता है, सी पता है, मास पता है, और इसमें लैम्डा पता है, आपको लैम्डा फोटोन का दे दिया, इसको सॉल्व करवा लिया। तो सीबीएसई वालों ने सोचा होगा कि कैलकुलेशन बच्चा कैसे करेगा इतनी बड़ी, तो उन्होंने सिर्फ प्रूफ करने को दे दिया। आपको सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको काफी ज्यादा। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको?